हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर एक नई जानकारी का पिटारा लेकर हाजिर हूँ मैं। वेलकम फ्रेंड्स इन VTV नेटवर्क। फ्रेंड्स, आज 22 अप्रैल है और आज बहुत ही स्पेशल डे है, जानते हैं क्या? जी हाँ, आज विश्व पृथ्वी दिवस यानी अर्थ डे है। एक ऐसा दिन जब हम अपनी पृथ्वी के लिए कुछ खास करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं और कुछ अच्छा करने का संकल्प लेते हैं। आफ्टरऑल अर्थ भी हमारा घर है और हमारे यहाँ ये कहा भी जाता है कि वसुधैव कुटुंबकम। पर दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वर्ल्ड अर्थ डे क्या है, क्यों मनाया जाता है, इसकी शुरुआत किसने की और सबसे पहले ये कब मनाया गया था? तो साथियों, आपके इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए ये वीडियो हाजिर है। ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा। अभी सब्सक्राइब कीजिए VTV नेटवर्क को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर फ्री में देखने के लिए। दोस्तों, 1970 में पहला पृथ्वी दिवस मनाया गया था, तब से लेकर आज तक हम 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। इस दिन की शुरुआत अमेरिकी सीनेटर जेराल्ड नेल्सन ने की थी और दोस्तों, ये एक ऐसी शुरुआत थी जिसे अमीर, गरीब, मंत्री, व्यवसायी या कोई भी हो, हर किसी ने अपना समर्थन दिया था। दोस्तों, अमेरिका में इसे वृक्ष दिवस भी कहा जाता है और पहले पूरी दुनिया में साल के दो दिन 21 मार्च और 22 अप्रैल को इसे मनाया जाता था, लेकिन बाद में इसे सिर्फ 22 अप्रैल को ही मनाने का निश्चय किया गया। इसके पीछे भी एक कारण था। दरअसल सीनेटर नेल्सन इस दिन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों और ख़ास तौर पर कॉलेजों में पर्यावरण शिक्षण की भागीदारी को बढ़ाना चाहते थे। इसी कारण उन्होंने ये दिन चुना, क्योंकि इस दिन आमतौर पर सभी की छुट्टी होती थी और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते थे। दोस्तों, हम अर्थ डे मनाते तो हैं, पर इस दिन की शुरुआत यूं ही नहीं हुई, इसके पीछे भी एक बड़ी घटना है। दरअसल 1969 में कैलिफोर्निया के सेंट बार्बरा में बड़ी मात्रा में तेल रिसाव होने के कारण हुई त्रासदी से नेल्सन बहुत आहत हुए, जिसके बाद उन्होंने इस दिवस को मनाने का निश्चय किया और काफ़ी जद्दोजहद के बाद इस दिन की शुरुआत हुई। फ्रेंड्स, पृथ्वी अगर हमारा घर है तो पेड़ पौधे, पशु पक्षी हमारे बच्चे जैसे हैं, हमें इनकी देखभाल दिल से करनी चाहिए। शायद कुछ ऐसा ही सोचकर कविवर रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, पृथ्वी को पेड़ से सजाकर स्वर्ग जैसा बनाने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। पेड़ से बात करना, उन्हें सुनना, ये सब महसूस करना ही स्वर्ग की अनुभूति देता है। तो दोस्तों, ये तो थी दुनिया भर की बातें, अब काम की बात कि इस दिन के लिए आप अपनी भागीदारी क्या दे सकते हैं। चलिए मैं बताता हूँ आपको, ये बहुत आसान है। आपको सबसे पहले अपने घर के आसपास साफ सफाई रखनी है, जैविक चीज़ों का उपयोग करना है, मतलब रिसाइकिलिंग को बढ़ावा देना है। ना सिर्फ खुद पौधे लगाएं, बल्कि अन्य लोगों को भी पौधे लगाने के लिए प्रेरित करें। ग्रीन हाउस गैस को कम करें, प्रदूषण ना फैलाएं, ना फैलाने दें। लोगों को ऊर्जा संरक्षण के लिए प्रेरित करें। दोस्तों, मंजिल दूर नहीं है, बस जरूरत है तो एक कदम उठाने की। और वैसे भी दुनिया पृथ्वी को अपना घर मानती है, पर हम भारतीय धरती को घर से भी बड़ा दर्जा देते हैं, जानते हैं क्या? ये धरती मेरी माँ है सर। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है वीडियो देखकर आप कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल मत जाना।